Dear students, I am Sumaiya Mohammed from Boys Head Secondary School in Su. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर से पॉलिटिकल साइंस का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और टॉपिक का नाम है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी पॉलिटिकल कंपटीशन की। पॉलिटिकल कंपटीशन इज ए कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर। It is competition for the ability to shape and control the content and direction of public policy. Rivalry for the capacity to influence or determine official governmental decision making and action on questions. Matlab political competition power ke liye competition, political power ke liye competition karna, इसे पॉलिटिकल कंपटीशन कहते हैं। इस कंपटीशन के चलते पॉलिटिकल लीडर्स शेप देते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को। एक दूसरे से अपोजिट पार्टी सवाल करती है किसी भी डिसीजन को लेकर। अगर रूलिंग गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो अपोजिट पार्टी इसे सवाल करती रहती है, इसमें नुक्स निकालने की कोशिश करती रहती है और रूलिंग पार्टी भी ऐसा काम करती है जिससे अपोजिशन पार्टी को मौका ना मिले इन पर उंगली उठाने का। ये है पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, हर एक पार्टी आगे जाना चाहती है, इस वजह से इनके बीच में कंपटीशन होता है, लड़ाइयाँ भी होती है, राइवलरी होती है। ये कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है इलेक्शंस में, मगर इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो अब हम देखेंगे। First demerit is it creates a sense of disunity, fractionalism. सारी political parties elections में जीतना चाहती है। अब जीतने के लिए वो caste का भी use करते हैं, religion का भी use करते हैं, इसे अपने फ़ायदे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग culture का use करते हैं, ये सब ये करते हैं अपने votes को बढ़ाने के लिए। इन फैक्टर्स का ये इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से सोसाइटी डिवाइड होती है। इस कंपटीशन की वजह से सोसाइटी में डिसयूनिटी डेवलप होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स अपने मोटिव्स के लिए सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। सेकंड डिमेरिट इज इन पॉलिटिकल कंपटीशन पार्टीज यूज एलिगेशंस एंड डर्टी ट्रिक्स। पॉलिटिकल कंपटीशंस में रूलिंग पार्टी कुछ करती है तो अपोजिशन पार्टी उसमें नुक्स निकालती है, एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे पे, और अपोजिशन पार्टी कुछ करती है तो रूलिंग पार्टी तैयार रहती है उस पे एलिगेशंस लगाने के लिए, उसमें नुक्स निकालने के लिए। जैसा कि हम रोज़ मीडिया, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो इनके ज़रिए देखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक लीडर दूसरे लीडर के खिलाफ, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ एलिगेशंस लगाते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये लोग इस मौके का इंतज़ार करते हैं कि कब कौन कोई गलती करे और वो इस गलती का फ़ायदा उठा सके। ये सब होता है पॉलिटिकल कंपटीशन में। थर्ड डेमेरिट इज नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से कोई भी पार्टी ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाती है। इलेक्शंस होते रहते हैं हर 5 साल के बाद, तो कभी एक पार्टी 5 साल तक रूल करती है, कभी 10 साल तक, और फिर दूसरी पार्टी आती है। इस वजह से पॉलिसीज़, प्लान्स जो होते हैं उस पार्टी के, वो बदलते रहते हैं। फिर दूसरी पार्टी के दूसरे प्लान्स होते हैं, दूसरी पॉलिसीज़ होते हैं, तो इलेक्टोरल कंपटीशन में लंबे वक्त तक कोई पॉलिसीज़, प्लान्स नहीं चलते हैं। नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड इन इलेक्टोरल कंपटीशन। फोर्थ डिमेरिट इज़ दैट गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट इंटर दिस पॉलिटिक्स। ऐसे लोग जो कंट्री के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जो कंट्री के लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, मगर वो पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स में उनके साथ भी ये जो गंदी पॉलिटिक्स है, उनके साथ भी उन्हें भी ये सब फेस करना पड़ेगा इस पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते। इस लिहाज से वो लोग जो अच्छा करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए, वो पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। इन पॉइंट से हमें क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल कंपटीशन से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मगर
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको पता था कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसे रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि इस पॉलिटिकल कंपटीशन में पॉलिटिकल लीडर्स मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए। अगर ये कंपटीशन नहीं होगा तो वो अच्छा काम नहीं करेंगे, लोगों के भले के लिए काम नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे इसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाएगा, और अपोजिट पार्टी जो होगी वो इसी गलती का मौका, इसी मौके का वो इंतज़ार करेंगे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और इससे उनकी कुर्सी को, उनके पावर को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है दूसरे की नज़र उनकी गलतियों पर है, इसीलिए वो गलतियाँ कम करते हैं इस पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड डिस्पाइट ऑफ इट्स डिमेरिट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, इज पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और नॉट। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।